हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय डॉग्स लाइफ। आज हम बात करेंगे अलास्कन मालाम्यूट डॉग ब्रीड के बारे में और जानेंगे इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अलास्कन मालाम्यूट डॉग ब्रीड का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स से है। अमेरिकन कैनल क्लब द्वारा 1935 में इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था। ये डॉग ब्रीड लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी डॉग ब्रीड है। पहले के टाइम में सील्स और कई तरह के आर्कटिक एनिमल की हंटिंग में इनका यूज किया जाता था। अलास्कन मालाम्यूट बियर से भी प्रोटेक्ट करते थे और स्लेजेस खींचने में भी इनका यूज होता था। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अलास्कन मालाम्यूट को स्लेजेस डॉग और रेस्क्यू डॉग के रूप में यूज किया गया, क्योंकि ये डॉग भारी मात्रा में वजन को बर्फ में खींच सकते थे। अलास्कन मालाम्यूट कुछ टाइप में पाए जाते हैं, जिसमें कॉर्सब्यू और एमलूट बहुत ज्यादा रेयर है। आज की तारीख में कॉर्सब्यू हमेशा व्हाइट और ग्रे कोट में होते हैं और इनका साइज थोड़ा छोटा होता है। ये डॉग ब्रीड अच्छा टेम्परामेंट शो करती है, इन्हें लोगों के साथ रहना काफी पसंद होता है और ये ज्यादा जिद्दी नहीं होते। एमलूट कई तरह के कोट कलर में पाए जाते हैं और ये साइज में बड़े होते हैं। इनकी चेस्ट नैरो होती है और इनके कान भी बड़े होते हैं, और सबसे खास बात, ये ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। ये वर्किंग डॉग ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये पूरी तरह से प्योर डॉग ब्रीड है। AKC की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की रैंकिंग लिस्ट में अलास्कन मालाम्यूट 59 रैंक पर है। इनके पास घना डबल कोट होता है। ये डॉग ब्रीड बहुत ज्यादा शेड करती है, क्योंकि इनका अंडर कोट बहुत ही फरी होता है और इन्हें ज्यादा नहलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनका कोट डर्ट रिवील करता है। ये डॉग अपार्टमेंट में रह सकते हैं, मगर इनके लिए एक बैकयार्ड की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। अलास्कन मालाम्यूट कई कोट कलर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट, सेबल एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, ग्रे एंड व्हाइट और ब्राउन एंड व्हाइट। बात करें अगर इनकी प्राइस की, तो इंडिया में इनकी प्राइस 80,000 से ऊपर है। इस डॉग ब्रीड को रनिंग, स्लेजिंग और हाउल करना अच्छा लगता है। ये डॉग ब्रीड ठंडी जगह पर रहने के लिए ही बनी है, क्योंकि ये -70 डिग्री तक सर्वाइव कर सकते हैं। इनके पंजे नीचे की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्ली के पंजे की तरह, ताकि ये बर्फ में बड़ी आसानी से चल सके। इनकी आंखें आलमंड शेप यानी कि बादाम के आकार की होती हैं। इनकी हड्डियां दूसरे डॉग्स के मुकाबले मोटी होती हैं। कई लोग अलास्कन मालाम्यूट और साइबेरियन हस्की को एक ही समझते हैं, पर ये दोनों अलग अलग डॉग ब्रीड हैं। बात करें अगर इस डॉग ब्रीड के टेम्परामेंट की, तो ये डॉग सोशल, प्लेफुल, लॉयल, एग्रेसिव और इंडिपेंडेंट होते हैं। ये डॉग फास्ट रनर भी होते हैं, पर ये कभी कभार अपने ओनर की बात को भी नहीं मानते। इनका एवरेज जीवन काल 10 से 12 साल तक का होता है। बात करें अगर इनकी हाइट और वेट की, तो इनमें मेल की हाइट 24 to 26 inches और फीमेल की हाइट 22 to 24 inches होती है, और इनमें मेल का वेट 36 to 43 kg जबकि फीमेल का वेट 32 to 38 kg तक होता है। अलास्कन मालाम्यूट डॉग किड फ्रेंडली होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ओनर के लिए सूटेबल नहीं होते। ये डॉग भले ही साइज में बड़े और एग्रेसिव होते हैं, पर ये अच्छे गार्ड डॉग नहीं होते। ये डॉग छोटे जानवर या छोटे डॉग के साथ फ्रेंडली नहीं होते। ये डॉग छोटे एनिमल्स को अपना शिकार समझते हैं। इन्हें किसी न किसी काम में उलझा के रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं, और अगर ऐसा ना किया जाए तो ये पूरे घर को तहस नहस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।